मैं चंदन पांडे आप लोगों को लेके आया हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, जहाँ पर 9 साल से बापू को कारावास में डाला गया जोधपुर के जेल में। तो ये उनके इंसाफ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है कि उनको कम से कम, और जैसे बुजुर्गों को छोड़ दिया जाता है, एक आम नागरिक जान के भी उनको छोड़ा जाए, जबकि कोई केस का तथ्य नहीं है, फिर भी उनको जेल में डाला गया है। क्या कहना चाहोगे मैडम, जो कि आज चल रहा है इस माहौल में बापू जी के साथ जो हो रहा है, क्या कहना चाहोगे इस माहौल पर? हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमें गर्व है कि बापू जी हमारे गुरुदेव हैं। हम चाहेंगे कि 7 जन्म भी हमारे हों तो गुरु जी वही चाहिए हमें। और आज हम अपने भारत की सरकार से यही कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जज अगर 75 साल के बुजुर्गों के लिए रिलैक्सेशन के लिए सोच रहे हैं, तो क्या आशाराम बापू जी बुजुर्ग नहीं है? क्या उनको ये रिलैक्स नहीं मिल सकता है? तो हमारी सभी साधु बहन भाइयों की यही डिमांड है कि अगर वहाँ हो सकती है ये छूट, तो भारत में भी, हमारे यहाँ पे भी, हमारे आज मैडम जघन्य अपराध के नाम पे कर रखा है, शोषण के नाम पे। ये शोषण के नाम पे है। एक छोटी सी लड़की अगर कह देती है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी ने देखा नहीं है उसको, बापू जी तो थे ही नहीं वहाँ कोर्ट में। मैडम देखो, जज हो चाहे वकील हो, वो लड़ाई देखने नहीं जाते, गवाह के बहस से पकड़ते हैं। तो कुछ तो साबित हुआ होगा। साबित ही नहीं हुआ, कुछ नहीं साबित हुआ अभी तक, साबित ही तो नहीं हुआ है बेटे, निर्दोष है मेरे बापू, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, कोई एविडेंस, कोई नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं साबित हुआ। तो एक्ट को आप समझते होंगे जिसमें जस्ट बयान के आधार पे ही सजा सुना दी जाती है, तो ये तो न्याय नहीं हुआ। एक संत शिरोमणि मैडम, 9 साल हो गए, 9 साल से आप लोग अभी तक क्या किए हो, कोई आगे कार्रवाई हुई? हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ नहीं रहा। जो कमेटी है, जो पैरोकार है, बार बार सवाल उठता है कि पैरोकार ही गद्दार है, क्या ये बात सही है या आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल सही है। और वही लोग है ना गलत सबूत देते हैं, वही लोग है ना वही कर रहे हैं ताकि बापू जी बाहर ना आए, और वो है ना उनका पैसा वो रखते रहे। वो नहीं आएंगे, आप क्या परेशान होते हो, वो लीला कर रहे हैं, ऐसे है ना गुमराह करते देते हैं, तो वो कोई आगे नहीं आता है। क्या कहना चाहोगे मैडम, जो आज हो रहा है बापू जी के साथ, जो गलत हो रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? इसके लिए तो देखिए, आश्रम के कुछ मैनेजमेंट के लोग जो लीगल लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, वही गद्दार है, वही नहीं चाहते गुरुदेव बाहर आए। तो जो मैडम लीगल टीम है, आप लोग उन लीगल टीम से मिलने की कोशिश की है? मिले उनके यहाँ जाकर के? हम बहुत बार मिले हैं, लेकिन वो हमारी नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं तुम्हें क्या लड़ना, तुम्हें इसके केस के बारे में क्या पता, कुछ भी, तुम्हें ABCD तो कुछ आती नहीं है। इनसे कोई पूछे कि तुम्हें ABCD आती है, तुमने क्या वकालत कर रखी है, तुम जो पैरोकार जो केस को देख रहे हैं, ये भी कितने, मुझे लगता नहीं किसी ने हाई स्कूल है, कोई 8वीं पास है, और ये केस को देख रहे हैं, उसमें अच्छे अच्छे हमारे पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं साथ में लेते हैं। मैडम जैसे कि ये जो लीगल टीम है, लीगल टीम आप अपनी भी खड़े कर सकते हो, तो आपकी तरफ से है कोई उनके तरफ? लेकिन हम कैसे खड़ी करें जब हमें वो देते ही नहीं है, हमारे हाथ में पूरे हमें पेपर नहीं तैयार करके देते, तो हम कैसे लड़ सकते हैं केस? बापू जी से मिलने गए आज अभी आपके तरफ से? बापू जी से तो हमें मिलने नहीं देते, मिलने वही लोग जाते हैं जो मैनेजमेंट के लोग, पैरोकार जो गद्दार लोग हैं, उनको जो उन्हीं लोगों को मिलाते हैं बापू से, जो उनकी जेब भरते हैं, लाखों रुपया उनकी जेब में डालते हैं, उन्हीं साधकों को अंदर जाने देते हैं। अगर मैडम अभी कुछ क्या लग रहा है आपको कि क्या बाहर आएंगे या अभी ऐसे ही चलता रहेगा? जैसे 9 साल बीत गए, तो 9 साल तो बीत गए देखते देखते, आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं उसका फल मिला, तो आगे क्या होगा? आगे देखिए, एक आम साधक के पास बापू जी को लाने के लिए पहली बात तो संगठन बल चाहिए, मजबूती चाहिए संगठन बल की, जो हमारे पास है नहीं, क्योंकि इस समय पूरा साधक समुदाय 2-3 गुटों में बटा हुआ है, और ये गद्दार लोगों की वजह से, लीगल टीम में जो घुसे हुए हैं गद्दार लोग घुसे हुए हैं, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं बापू जी बाहर आए। तो इस केस में हम इसीलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ देश के सर्वोच्च नेताओं तक पहुँचे, क्योंकि हम आम साधक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ना हमारे पास धन बल है, ना सत्ता बल है, ना संगठन बल है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे नेता आगे आएं, हमारे सर्वोच्च कोटि के संत को निकालने के लिए। जब तक वो नहीं आएंगे, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसलिए हम यहाँ रह करके अपनी आवाज को उन तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ निर्मला पांडे जी हैं। मैडम क्या कहना चाहोगे जो कि बापू जी के साथ हो रहा है? देखिए, बापू जी के साथ में केस, बापू जी का केस कितने गलत ढंग से लड़ा जा रहा है,
आपने ये भी पूछा भी लोगों से और हम लेके खड़े भी हैं कि पैरोकार ही गद्दार है, है ना, पैरोकार ही गद्दार है। हम क्यों कहने पे मजबूर हुए, क्योंकि 9 साल हो गए और अभी तक कहीं भी कोई राहत नहीं मिला। और हमने जो वर्डिक्ट है उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा तो उसमें भी गलत है, उसमें पूरा का पूरा गवाह, एक ही गवाह से कुछ अलग अलग ढंग से बुलवाए गए, दूसरे गवाह से कुछ अलग बुलवाए गए, जो डॉक्यूमेंट लगाए गए बिना ऑथराइज थे। तो मतलब हमने केस को मजाक बनाकर रखा हुआ है और अब 5 साल बाद उनको हट जाना चाहिए था, अगर गलत ढंग से लड़े तो हट भी नहीं रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, और दूसरा हम चाहते हैं कि हमारे बापूजी को जो वज्र वाहन में ले जाते हैं, उन्होंने खुद बोला था कि मेरी हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ 3 दिन लगते हैं मनके को सेट होने में, इतनी तकलीफ होती है, गाड़ी को भगाते हैं, तो कम से कम एक एम्बुलेंस तो दें उनको, यही हमारी डिमांड थी। और स्वास्थ्य के लिए हम चाहते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो। आज मैडम अगर कोई छोटा मोटा केस भी होता है या कोई भी इस तरीके का अगर अपराध देखा जाता है तो उसकी सीबीआई जांच जरूर होती है जी, तो इसके ये क्यों रुकी हुई है? ये तो और बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे मैटर पहुंच चुका है, फिर भी नहीं जी। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जो अभी हैं उन्होंने खुद बोला था कि जो कुछ भी मिले मुझे मिला वो संश्री आशाराम जी के आशीर्वाद से मिला, और सभी नेता आते थे तो साफ समझ में आता है कि बापू जी ने कुछ अच्छा ही काम किया तभी लोग दौड़ते थे। अटल बिहारी वाजपेयी तक आए, हर नेता किसी भी पार्टी को सभी आते थे। लेकिन अभी इस केस को इतना गंदा कर दिया गया है, इतने गंदे ढंग से, ना कोई नेता आवाज़ उठाता है, ना ही कोई भी, मतलब हम जुडिशरी को भी दोष लगा सकते कि उन्होंने भी सोमुट्टो नहीं किया। तो इसलिए हम अपनी तरफ से बोलना चाहते हैं कि सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, आपकी तरफ से खड़े हैं? जी जी, कल उठाया, नहीं खड़े तो नहीं हुए लेकिन कल उन्होंने उठाया, हम उनके बहुत आभारी हैं। और ऐसे अगर सभी लोग समझने लगे बात को, सभी लोग समझकर बात उठाए तो शायद जुडिशरी खुद भी, क्योंकि हम लोगों ने यही देखा कि जो समाज में परसेप्शन बना होता है जुडिशरी उसी तरह का जजमेंट देती है। तो अगर सही परसेप्शन होगा, लोगों में सही आवाज़ उठेगी, तो बापूजी को न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे साथ बम मौजूद हैं और वो आसाराम बापू को छुड़ाने की पूरी कोशिश और पूरा का पूरा जोर लगा के रखते हैं और काफ़ी लोग इनके साथ जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे, आज का जो आपका धरना प्रदर्शन रखा गया बापूजी की रिहाई को लेके, तो क्या लगता है इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा आगे? देखिए, हमने अपनी कोशिश जो है की है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे, और नहीं पहुँचेगी तो हम लोग अगली बार पार्लियामेंट में बैठेंगे, सांसद को घेराव करेंगे। लोगों की संख्या बहुत है हमारे पास, अभी हमने बुलाया नहीं था, दूसरा बारिश पड़ गया तो लोग थोड़ा कम आए। हमने 50 लोगों की परमिशन मांगी थी और 50 लोगों को मैसेज भेजा था, देख लीजिए संख्या तो आपने देखा ही है। अगली बार 500 के पार लोग यहाँ मौजूद हैं, फिर भी अगली बार देखना कई हज़ार 50,000 संख्या होगी, और सरकार को झुकना पड़ेगा, गद्दार को झुकना पड़ेगा। आप हर बार कहते हो कि पैरोकार गद्दार है, क्या मतलब है? पैरोकार कैसे गद्दार हो सकता है? वो उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कमेटी उनका ध्यान रख रहा है पूरा पूरा, लीगल उनकी टीम पूरी है ध्यान रख रहा है। तो 21 बीमारी कैसे हो गया बापू जी को? 21 बीमारी है बापू जी को, अब कई बीमारी जो है प्राण घातक बीमारी है। एक दिन के बेल नहीं दिलवा पाए, न उपचार दिलवा पाए सही से, क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में फर्जी के पेपर कौन लगा देता है? कोर्ट में झूठी गवाही कौन करवा देता है? दीक्षा नहीं दे देता है ऐसे झूठी वो गवाही कौन करवाता है? इन लोगों का काम है पैरोकार लोगों का। और तो पैरोकार में कौन कौन लोग हैं, दो चार लोगों के नाम पता हो? अर्जुन है, वानी है, नीता वैद है, रामचंद्र है, ये सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग चाहते हैं किसी भी तरह से आसाराम बापू जीवित बाहर निकले। इन लोगों से आप कभी मिले इन लोगों से? या वो लोग कहीं मिलने की कोशिश किए हो आपसे? मिलते नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज करने बोलते हैं, बोलते पैसे वैसे चाहिए तो ले लो। अच्छा, आपको खरीदने की सोचते हैं? पर ये होने वाला नहीं है, हमारे संत आसाराम बापू के साथ अन्याय हो, हम पैसे बिक जाए ऐसा नहीं। तो आप क्या लगता है, जोधपुर दोबारा आप जेल गए हो कभी मिलने बापू जी से? गया हूँ और उनको सारी बात बताई भी है, वो जब बाहर आ जाएंगे तभी कुछ करेंगे, वहाँ से कुछ नहीं कर सकते। और एक उनके जो लड़के हैं वो भी हैं, बंदे हैं, वो भी सब उन्हीं के शिकार हैं। जब आश्रम कब्जा करने की इच्छा होगी तो केवल बापूजी को बंद करने से तो होगा नहीं, उनके पूरे परिवार को बंद करवा देंगे तभी आश्रम पर कब्जा हो पाएगा। वैसे कितने का होगा, कितने का केस लग रही है कि कैसे होगा ठीक? जब साधक जो बापू के भक्त हैं, जो बापू की शक्ति हैं, बापू की शक्ति जो है बापू के भक्त हैं, आश्रम मैनेजमेंट नहीं है, और जब साधक शक्ति उठ के खड़े हो जाएंगे बापू जी बाहर आ जाएंगे। मैनेजमेंट कमेटी के साथ ज़्यादा साधक जुड़े हुए हैं या आपके साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं? क्या वो कई वर्षों से लगे हुए हैं और लोग सारा व्यवस्था उनके पास है, तो जाहिर बात है कि उनकी संख्या ज़्यादा होगी,
पर हमारे साथ संख्या भले ही कम हो पर हमारे साथ मजबूत लोग हैं। उनका जो है भेड़ियों का भीड़ है, हमारा शेरों का झुंड है, लड़ ले जिसको जिस आ जाए सामने। हमने हमारे NSP न्यूज़ की तरफ से आप भारत के जितने भी साधक हैं, इंटरनेशनल भी साधक हैं, विदेशों के भी हैं, क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? मतलब आप कब तक चुप रहोगे, कब तक अपनी मान बढ़ाई देखते रहोगे, कब तक आश्रम की खिचड़ी के लिए चुप रहोगे, कब तक जो है संचालकों की चमचागिरी के लिए चुप रहोगे? आप बोलो, नहीं तो जिस बापू जी से दीक्षा लिए हो उस बापू को ये लोग मार देंगे। आप बोलो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं NSP न्यूज़, में चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद है स्वराज मेरा अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल खन्ना जी हमारे साथ। तो क्या कहना चाहोगे जो आज आसाराम बापू जी के रिहाई को लेकर के जंतर मंतर पर आ पाए हो? देखिए, हमने कल एक कार्यक्रम किया था जस्टिस फॉर ऑल, और उसी के तहत आज मैं आसाराम बापू जी के इस प्रदर्शन में शामिल हुआ हूँ, जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बापूजी के साथ जो भी अन्याय हुआ वो जस्टिस फॉर ऑल के मुद्दे के तहत ही आता है। और बापूजी की लड़ाई अब हमारा स्वराज मेरा अधिकार भी बापूजी के सारे अनुयायियों के साथ मिल के आगे लड़ेगा। क्या लगता है जो मैनेजमेंट कमेटी है वो खिलाफ है या षड्यंत्र है बहुत गहरा? ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र है जिसमें मैनेजमेंट कमेटी, तो जो मैं कहूँगा उनको मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरी उनसे कोई डायरेक्ट वार्ता नहीं है, लेकिन हाँ एक राजनीतिक षड्यंत्र तो जरूर नजर आता है। उस मैनेजमेंट कमेटी में हमारे साथ मैंने एक से बात भी की थी, वो कह रहे कि नहीं इन लोगों को ही वो गलत ठहराते हैं, कहते हैं कि जो ये बम के साथ है या बम जो करता है गलत कर रहा है, ये लोगों को गुमराह करता है, इस तरीके की बात बताते हैं ये लोग। देखिए, बम अगर गलत करता होता तो जिस सच्ची निष्ठा से ये जुड़ा है बापू आसाराम जी के साथ तो शायद ये आज यहाँ ना होता। अगर लोग ये लोगों की सच्चाई को सामने ला रहा है तो फिर इसमें बुराई क्या है? कितने लोग होंगे जो आज आपके साथ इस प्रदर्शन में है? मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और मेरी टीम का नेतृत्व करते हुए मैं आगे आया हूँ, और इसीलिए आया हूँ देखने के लिए कि बापूजी के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए और बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कैसे कराया जाए। अभी जैसे कि लीगल टीम उनके काम कर रही है, उनकी प्रॉपर लीगल टीम है, तो लीगल टीम उनके लिए छुड़ाने के लिए वो भी प्रयास कर रही होगी, तो क्यों नहीं छूट पा रही है? और यहाँ पर कल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर APसिंह वो भी खुले मंच पे कह रहे थे, स्वराज मेरा अधिकार के बैनर के नीचे से साफ कह रहे थे कि आसाराम बापू को हम छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं चूक हो रही है। क्या चूक है? चूक कुछ नहीं है, हमने अपने मंच से ये स्वीकारा है कि कई जगहों पे हमारे जो एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, या तो वो सही नहीं लड़ते या फिर वो मैनेजमेंट के दबाव में आके अपना सही कार्य नहीं करते। आगे क्या होगा, आज प्रदर्शन के बाद क्या होने वाला है आगे, क्या आप दोबारा कोर्ट जाएंगे? ये तो प्रक्रिया पे डिपेंड करेगा कि हम किस प्रक्रिया से आगे जाएंगे, वो तो हम अभी खोलना नहीं चाहेंगे। इंकिलाब, 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 इंकिलाब।